देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको मफलर का डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिजाइन बनाना बहुत ही इजी है और बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मफलर, शॉल, स्टॉल किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ये बहुत ही इजी डिजाइन है। तो चलिए, उसके लिए हम एक पहले नोट लगा लेंगे। इस तरह से हम एक लूप बना लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये मैंने उसके लिए 6 नंबर की नीडल्स ले ली हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत ही फ्लेक्सिबल सा, स्ट्रेचेबल टाइप में बनाना है। तो धागे भी हैं, जो फंदे डालेंगे हमें वो भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं डालने हैं। उसके लिए देखिए, हम इस धागे को ऐसे उंगली में फंसा लेंगे, और जो ये हमारा सिंगल धागा है छोटे वाला, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालते हुए हमें ऐसे इसे ऐसे टाइट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से फंदे डालने का। आप ऐसे देखिए, इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको उंगली में डालकर आसानी ना लगे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसमें 20 फंदे डाल लेंगे। और देखिए, 20 फंदे डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे कैसे बुनना है। देखिए, धागा हम अपनी तरफ लेंगे और ये उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे उल्टा बुन देंगे। इसी तरह से उल्टा सीधा बुनते हुए हमें इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही धागा अपनी तरफ करेंगे और धागा पीछे करेंगे, ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बुन लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी डिजाइन है, आप आसानी से इसे बुन सकते हैं। देखिए, अब जो फंदा हमने उल्टा बुना था उसे अब हम सीधा बुन लेंगे। देखिए, ये सीधा है। अब धागा हम अपनी तरफ करेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। ये बिल्कुल जैसे बॉर्डर बुनते हैं उस तरह से बुन लेंगे हम। अब देखिए, हमें इस फंदे को यहाँ से नहीं निकालना है, ऊपर से ये जो ये होल दिख रहा है ना, इसमें से हम इसे निकाल लेंगे और धागा ऐसे, और इसको हम ढीला छोड़ देंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। इस फंदे को हमें उल्टा ही बुन लेना है, ठीक है। अब हम देखें, धागा पीछे करेंगे और जहाँ पे ये होल दिख रहा है ना हमें, इस होल में से इसे निकाल लेंगे और इस धागे को हम लूज छोड़ देंगे ऐसे, और अपनी तरफ धागा करके इसे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए, अब सीधे धागे को हमें इस होल में से निकालना है, ऊपर फंदे से नहीं निकालना है। ऐसे ही हम देखिए उल्टा सीधा, अब जो ये हमने सीधा फंदा लिया है इसे हम उसी तरह से होल से निकालेंगे, ऊपर से नहीं निकालेंगे, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इसे इस होल में से। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बता रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और धागा पीछे करेंगे और इसे ऐसे होल में से निकाल लेंगे। नीचे जो ऊपर से धागा हमें नहीं निकालना, और इसे थोड़ा सा लूज लूज छोड़ना है ताकि हमारा मफलर स्कार्फ बिल्कुल रेडीमेड लुक में दिखे। ऐसे ही देखिए, वैसे तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है, और इसे हम ऐसे नीचे से निकाल लेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। और इसे हम धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बुन देंगे। देखिए, अब हम आगे के फंदे को ऐसे ही सीधा
उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे हम उल्टा बुन देंगे। और देखिए धागा पीछे करेंगे और इसे फिर से हमें जिस तरह से हमें पहले निकाला था ना उसी तरह से इस होल में से निकाल लेंगे और इसे हम लूज लूज छोड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही हम देखिए इसे इस तरह से बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी सा डिजाइन है ऐसे ऐसे। धागे को हम पीछे लेंगे और ऐसे ही जैसे हमने पहले नीचे से निकाला था ऐसे ही इसे निकाल देंगे और इसे हम लूज लूज छोड़ते चले देंगे। धागा अपनी तरफ करके धागा पीछे करेंगे और इसमें से नीचे से जहाँ से ये होल दिख रहा है यहाँ से इसे निकाल लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इसे नीचे इस होल में से निकाल लेंगे। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान डिजाइन है और बिल्कुल रेडीमेड लुक में बनकर आएगा। आप इसे मफलर में डालें, स्कार्फ में डालें, जिसमें भी डालना चाहें, इसे लेडीज़ कार्डिगन में डालें, बेबी स्वेटर में डालें। बहुत ही इजी सा और बहुत ही अच्छा सुंदर सा डिजाइन ये हमारा बनकर तैयार होना, बहुत ही इजी है, इसे बिगनर भी आसानी से बुन सकती हैं। देखिए धागा अपनी तरफ लेंगे, धागा पीछे लेंगे और इसे इस होल में से निकाल देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसे इसमें से हम निकाल देंगे ऐसे ऐसे। देखिए धागा अपनी तरफ लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। देखिए हमारी अगली रो स्टार्ट होगी और उसमें हम जो ये आगे का फंदा है इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे ऐसे, और इस उल्टे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। और जो ये हमारा सीधा फंदा है धागा पीछे करेंगे और ऐसे ही हम होल में से इसे निकाल लेंगे। फिर हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे करेंगे। इसे सीधे को जो ये सीधी सीधी रो है ये जो ये देखिए ये दिख रहा है जो सीधा फंदा है इसे हम इस होल में से निकाल लेंगे। बनाना बहुत ईजी है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ कि ये पैटर्न कैसा लगा।